किया तुमने, बस एक बात भूल गए, जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। वेलकम माय फ्रेंड, आप सभी को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सोनू, आज मैं देखा हूँ टाइगर 3 की जो प्रमोशन वाली टेलर आई है भाई, इस टेलर में तो पूरी तबाही मचा दी, क्योंकि इमरान हाशमी और हमारा सलमान खान भाई इस तरह मूवी में फाइट हो रहे हैं। इस बारे की जो हिसाब से देख रहा हूँ भाई, जिस तरह हमारे इमरान हाशमी इसमें थोड़ी थोड़ी बुढ़े तरह के दिखाए हुए हैं, बट लेकिन भाई कॉम्पिटिशन वाली पूरी तरह से फाइट दिखाई जा रही है। अभी तक हमने बहुत सारे विलन देखे हैं स्पाई यूनिवर्स में, टाइगर श्रॉफ एंड जॉन फ्राना, इस बार हमारे इमरान हाशमी खुद सलमान खान से भिड़ चुके हैं। बट फ्रेंड आपसे बता दो, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पर नए तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना फ्रेंड्स। तो भाई टाइगर 3 की हो चुकी है टिकट्स अलाउंस, 5 नंबर से टिकट बुकिंग हो रही है भाई, तो आप भी जाइए करिए। और भाई इस मूवी की खासियत बताऊं, ये मूवी स्पाई यूनिवर्स से पूरी तरह से जुड़ी हुई है, और कैसे हमारे सलमान खान और शाहरुख खान और ऋतिक रोशन एक ग्रुप में एक ही टीम बन के फाइट करने वाले, और कैसे हमारे शाहरुख खान इस मूवी में एंट्री मारेंगे ये देखने को बहुत ही मजा, और कैसे भाई पठान और हमारे वार मूवी को फॉलो करके मूवी चल रही ये देखने के लिए बहुत ही मजा आ रहा है। लेकिन लेकिन भाई हमें तो मूवी के लिए बहुत ही इंतजार, लेकिन मूवी के लिए ये भी इंतजार है क्योंकि शाहरुख खान कैसे एंट्री मारेंगे इस मूवी पे, तो ये पब्लिक के लिए बहुत ही ज़्यादा बेकरार वाली सीन होने वाली है। क्योंकि हमने देखी है पठान मूवी, जैसे सलमान खान सर और शाहरुख खान सर एक साथ मिल के पूरे मिशन को पूरा करते हैं, जो हमारे शाहरुख खान फंस चुके होते हैं तो आते हैं उन्हें बचाने के लिए, बट ऐसे ही सीन हमें इस मूवी में देखने को मिल जाए तो बहुत ही मज़ा आ जाए भाई। तो आपसे एक बता दो भाई, मूवी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, और इस बार डेट को बदल गया, 12 नवंबर को मूवी रिलीज हो रही है, मतलब दीपावली के दिन ही मूवी रिलीज हो रही है। लेकिन फ्रेंड भाई इस मूवी में भाई इतनी ज़्यादा एक्शन दिखाई कैटरीना कैफ एंड सलमान खान और हमारे इमरान हाशमी की, तो मज़ा ही, मुझे जो इस मूवी की जो ट्रेलर पे दिखाई गई है कटरीना कैफ की एक्शन, उसे देख के तो इतनी मज़ा आ रही है कि आप सोच नहीं, क्योंकि मुझे आधा से ज़्यादा जो पब्लिक है उस कटरीना की एक्शन ही देखने के लिए शायद तक मूवी देखने जा सकती है, ऐसे लग रहा है। बेशक 300 करोड़ की बजट में स्पाइडरमैन से मूवी बना दी हुई है, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग के लिए हर मूवी मैंने देखी, हर मूवी पे टाइगर 3, टाइगर 1, टाइगर 2 पे हमारे मतलब कटरीना कैफ की एक्शन दिखाई है, मतलब दिखाई, वो भी एक एजेंट है तो एक्शन तो दिखाना है। और इस स्पाई न्यूज़ में उनकी भी एक बहुत ही बड़ी मुख्य भूमिका है भाई कटरीना कैफ की, तो उन्हें तो निकाला नहीं जाता। और कैसे दीपक पादुकोण भी इस मूवी में एंट्री मारने वाले, ये तो मजा ही आने वाली भाई, तो सच में तो इस मूवी के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ भाई, सच में बोल रहा हूँ, क्योंकि इन एक्शन देख के मतलब स्पाई न्यूज़ के एक मतलब जो एक्शन है, एक मिलिट्री वाली एक्शन है, पूरी मिलिट्री वाली कहानी होती है, कैसे देशद्रोही पूरी इंडिया को ख़त्म करने वाली है, इस तरह की मूवी की इस मूवी की कहानी है, तो इस मूवी में हमें देशभक्ति देखने को ज़्यादा मिलती है। तो भाई इस मूवी के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आप सभी बताइए आप एक्साइटेड हो कि नहीं हो। तो फ्रेंड्स तो इस मूवी के लिए बहुत ही ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये आने वाली स्पाई यूनिवर्स की सबसे बड़ी इतिहासिक वाली मूवी होने वाली है, और ये कैसे स्पाई यूनिवर्स को आगे बढ़ाने वाली है, तो इस मूवी में पक्का देखने जाऊंगा भाई। लेकिन आपसे बता दूं भाई, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में, जय हिंद जय भारत, और चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो भाई वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर देना। ओके बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट में, कुछ गलती हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके बाय।